हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि 302 के मैटर में आखिरकार बेल कैसे होगी। 302 यानी कि मर्डर के मुकदमे में आपकी जमानत कैसे होगी, क्या रीजंस होंगे जब आप जो है बेल पा जाएंगे, क्या परिस्थितियां होंगी जिनका फायदा उठाकर आपको बेल मिल सकती है, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ दिल्ली इलाहाबाद में तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर बिल्कुल मुझसे मिल सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन डायरेक्ट कॉल नहीं करना है, पहले आपको अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराना है। देखिए दोस्तों, 302 का मर्डर जो मैटर होता है, मर्डर का मुकदमा, वो बहुत ग्रीवियस नेचर का होता है, बहुत हैवी मुकदमा होता है। 376 की तरह ही समझिए, बस 376 में सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी चली जाती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। और 302 में भी आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा जा रही है, सब कुछ नष्ट हो रहा है, क्योंकि आपने किसी की जान ले ली है। जान लेना, क्रिएशन, नेचर का क्रिएशन डिस्ट्रॉय करना जो प्राकृतिक तरीके से होनी चाहिए, वो अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में किसी व्यक्ति की मौत का रीजन अगर आप हैं तो उस कंडीशन में आपके ऊपर 302 लगती है और पुलिस शुरू से आपको ढूंढने लगती है, बहुत मार पिटाई होती है। और आजकल आप देख ही रहे हो यूपी में तो सीधे इस तरीके के मुकदमों में आपके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। अब आप देखिए जो देवरिया वाला मर्डर केस है, देवरिया में ऐसा कांड जो है 25 वर्षों बाद हुआ है, इससे पहले हुआ था, अब जाके हुआ है। अब इस केस पर ना जाते हुए मैं सीधे आता हूं 302 के मैटर पर। देखिए 302 का मुकदमा जो है बहुत ग्रीवियस नेचर का, जैसा कि मैंने कह दिया। अब अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया है तो मर्डर करने के लिए सबसे पहले आपका मोटिव देखा जाएगा कि क्या आपके पास कोई मोटिव था उसकी हत्या करने के लिए, क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर आपको मारना है तो उसके पीछे रीजन होना चाहिए, आपको उससे क्या हानि थी, क्या लाभ था। हो सकता है आपका पहले से कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा हो, उस जमीन के विवाद में ही देवरिया में मर्डर हुआ है, आपका प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा हो, जमीन कब जाने गए और जमीन लेने की स्थिति परिस्थिति में आपने किसी व्यक्ति को मार दिया हो, उसकी वो नहीं रह जाएगा तो जमीन मेरी हो जाएगी और मैं बच जाऊंगा। लेकिन कानून के हाथ क्योंकि बहुत लंबे हैं, आप बचोगे नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ आप सबूत छोड़ के चले आओगे, चाहे जमीन का विवाद हो या आपके ऊपर पहले से किसी मुकदमे को चलाया गया हो, उस मुकदमे से अपने आप को फ्री कराने के लिए गवाहों को आप मार दो, तो ये सारे मोटिव देखे जाएंगे कि आपका इंटेंशन क्या था ये सारी चीजें करने के पीछे, क्योंकि बिना किसी रीजन के कोई व्यक्ति किसी का मर्डर नहीं करता है। अब देखिए, अब आप कहोगे कि साहब ये सब बकवास की बातें हैं, मर्डर हो गया, अब बताओ बेल कैसे मिलेगी। बेल देखो उस परिस्थिति मिलेगी जहां पर डायरेक्ट एलिगेशन आपके ऊपर ना आए हो, या एलिगेशन अगर आपके ऊपर डायरेक्ट आ रहे हैं और उस कंडीशन में एप्रोप्रिएट एविडेंसेस आपके फेवर में, सॉरी आपके अगेंस्ट में नहीं आ रहे, अगर आपके अगेंस्ट में डायरेक्ट एविडेंसेस निकल के चले आ रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको दिक्कत हो सकती है, आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। अब देखिए सबसे पहली चीज है कि अगर जो मर्डर हुआ है, किसी व्यक्ति का मर्डर हुआ है तो सबसे पहले क्या होता है कि उसमें उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम करा के उसकी बॉडी पर कितनी एंटीमार्टम इंजरीज थी, उसकी बॉडी पर कितनी इंजरीज थी, वो सारा कुछ निकाल के देखा जाता है कि उसको गोली से मारा गया है, कि चाकू से मारा गया है, कि किसी अन्य हथियार से मारा गया है, या ईंटे से मारा गया है, उसकी बॉडी पर कितनी ज्यादा इंजरी थी, कितना ग्रीवियस हर्ट उसको किया गया है, कितनी चोटें उसकी बॉडी पर थी, या सिंपल एंटीमार्टम हैंगिंग है, या हैंगिंग से डेथ हुई है, उसने फांसी लगा ली, या आपने फांसी लगा दी, आपके ऊपर एलिगेशन है कि फांसी लगा दी, लेकिन कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ग्रीवियस कितना है, इंटेंसिटी ऑफ क्राइम कितना है, कितनी ज्यादा इंजरी है, उसमें डॉक्टर का ओपिनियन आता है, क्योंकि सबसे खास उसमें गवाही डॉक्टर की होती है, डॉक्टर साहब बताते हैं कि किस तरीके से उसको मारा गया है, क्या सारी चीजें करी गई हैं, वो सब कुछ डॉक्टर बताते हैं, और डॉक्टर साहब का जो ओपिनियन होता है उसको कोर्ट रीड करती है और डिटरमाइन करती है कि कितनी बुरी तरीके से, कितनी ब्रुटैलिटी के साथ किसी व्यक्ति को मारा गया है। उस कंडीशन में बेल नहीं होती है, बहुत रेयरली बेल होती है, सीधे इसमें जजमेंट ही आता है। जैसे देवरिया वाला मैटर है, इसमें जो मर्डर हुआ है इसमें टोटल 28 लोगों का नाम डाल दिया गया, 50 अज्ञात लोग डाल दिए गए, लेकिन जिनको स्पेसिफिक रोल असाइन किया गया होगा उनकी बेल नहीं होगी, लेकिन जिनका जिनके ऊपर एलिगेशन और अननेसेसरी लोगों का उठा के लगा दिया गया होगा, इसमें भी हुआ होगा, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ होगा, उसमें उन लोगों की बेल जनरली हो सकती है। तो एंटीमार्टम इंजरीज देखी जाएंगी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बेसिस पर। अब इसमें गवाहों का विवरण देखा जाए कि गवाहों ने क्या गवाही दे रखी है, किसके पक्ष में दी हुई, कौन विटनेस हॉस्टाइल हो गया है, इन सब आधारों पे आपकी बेल हो जाएगी। और दूसरी चीज क्या है कि जब आपके ऊपर एलिगेशन लगाया गया, जब मान लो 30-35 लोगों का के ऊपर एलिगेशन लगाया गया, 30-35 लोग जान से मारने में किसी को थे और सारी चीजें हो गई, तो क्या होता है, जनरली पुलिस उठा के लाइन से लोगों का नाम ही डाल देती है, ठीक है, जो वहां पर नहीं भी होते, तो आपकी बेल उस कंडीशन में भी हो सकती है जिस समय वहां पर मर्डर हुआ हो, आप उस सेट लोकेशन में ना हो, आप किसी अदर लोकेशन पर हो, अपने ऑफिस में नौकरी कर रहे हो या कहीं पर हो, लेकिन आपका नाम राजनीतिक
जो द्वेष विद्वेष की वजह से आपका नाम डाल दिया गया हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपकी बेल होने की प्रोबेबिलिटी होगी। जहां पर मतलब डायरेक्ट एलिगेशन आपके ऊपर नहीं, कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है, ठीक है, डेट टाइम प्लेस को स्पेसिफिक तरीके से स्पेसिफाई नहीं करा गया है, सही तरीके से अप्रोप्रिएट तरीके से कुछ भी बताया नहीं गया है, तो वहां पर आपकी बेल होने की प्रोबेबिलिटी होती। कई बार हम कहते हैं कि सीडीआर लोकेशन के बेसिस पर जो है ये क्लियर हो जाएगा कि आप उस लोकेशन में थे कि नहीं थे, अगर आप उस लोकेशन में नहीं थे तो आपकी बेल हो सकती है, लेकिन कई बार पुलिस ये भी कह देती है कि जानबूझ के अपना फोन छोड़ के गए थे ताकि मर्डर कर सके, लेकिन अगर उस कंडीशन में उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे हैं, कोई आपको जो है वेपन की रिकवरी नहीं हो रखी हुई है, कोई उस आपके फेवर में इंडिपेंडेंट गवाह नहीं अदर देन फैमिली मेंबर्स, तब उस कंडीशन में आपकी बेल हो सकती है। तो मुमकिन है कि बेल हो जाए, ऐसा नहीं कि 302 के मैटर में बेल नहीं होती, बेल बिल्कुल होती है, लेकिन हाँ ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसमें समय लगता है। ये सारा का सारा आपके सबूतों का, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का और जज साहब की प्रॉपर जो है हियरिंग जो उनके सामने हुई है उसमें विवेकाधिकार की शक्ति का। 302 में जनरली लोअर कोर्ट से तो बेल किसी हालत में नहीं होगी, सेशन से बेल नहीं होगी, आपकी बेल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ही हो सकती है, अदरवाइज आप जेल में सड़ते रहेंगे। उम्मीद है जानकारी समझ में आई, पसंद है, अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अगर फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर नहीं फॉलो किया तो वहां फॉलो करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला। थैंक यू सो मच, जय हिंद।